मैनपुरी संसदीय सीट पर सपा की जीत का झंडा लहराने के लिए शिवपाल यादव पूरी ताकत से जुटे हैं। इस बीच खबर सरगर्म है कि लखनऊ में उनकी पार्टी मुख्यालय का बंगला छिन सकता है। शिवपाल से सीबीआई की पूछताछ की इजाजत मांगने और सिक्योरिटी कम करने के बाद ये तीसरा बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन सियासत इस पर आसमान पर है। पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा घटी, फिर रिवर फ्रंट केस में सीबीआई की सक्रियता बढ़ी और अब लखनऊ में शिवपाल यादव के सरकारी आवास पर संकट के बादल छाए हैं। लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर ये प्रसपा का दफ्तर है। यहाँ के सबसे भव्य और बड़े बंगलों में से एक ये आवास शिवपाल यादव को आवंटित है। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही ये बंगला शिवपाल सिंह यादव से छिन सकता है। अब शिवपाल सिंह यादव का ये आवास, जहां पर उनका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उस आवास के आवंटन को निरस्त करने की तैयारी कर रही है सरकार। ग्राउंड ये है कि आवास के लिए दिया गया था, विधायक के तौर पर आवंटित किया गया था इस आवास को, इस जगह को, लेकिन यहां पर शिवपाल सिंह यादव रहते नहीं हैं और वो यहां पर अपना पार्टी का दफ्तर चला रहे हैं, इसलिए इस आवास को नियमता निरस्त किया जाना है। ऐसी चर्चा तेज है कि योगी सरकार शिवपाल यादव के बंगले का आवंटन निरस्त करने के साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सुरक्षा भी वापस ले सकती है। हार को देखते हुए डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं अब उनको निराशा है, तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने पे वो लोग उतारू हैं। हालांकि ये बंगला माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सबसे वरिष्ठतम विधायक होने के नाते मिला हुआ है और ये कोर्ट में भी तमाम जिक्र है इसकी। एक तरफ लखनऊ में शिवपाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वे मैनपुरी में सरकार पर और भी चुभने वाले अंदाज में बरस रहे हैं। अगर बचाने गए, मिलके झगड़ा कराएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। आपके लोगों ने गुंडाई की, आप बंद हो जाएं, इसलिए सावधान रहना, अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं। उधर भाजपा शिवपाल यादव के बंगले से जुड़ी खबर पर अभी सीधे तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। देखिए, ये विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगी क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकती हैं। मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं कहीं उसके पीछे ये वजह? नहीं, हमें नहीं लगता, ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें हम सब लोग मिलकर के जन जन तक जा रहे हैं और जनता का भरोसा बीजेपी पर है। जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां थी, तो भाजपा सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई थी। पिछले 5.5 सालों में सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई। भाजपा सरकार में ही शिवपाल यादव को लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन अब जब मैनपुरी में शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जब शिवपाल खुलकर भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हो चुके हैं, उन्हें छोटे नेताजी तक कह रहे हैं, ऐसे वक्त में शिवपाल के सियासी रसूख के पर कतरने की कोशिशें चुभने वाली राजनीति का सबब बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी संभव है। शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा किसी को कुछ देना नहीं जानती, सिर्फ छीनना जानती है। शायद यही बात भाजपा को बुरी तरह चुभ गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी इस वक्त कई ऐसी रणनीति अपना रही है जिसे अभूझ पहेली की तरह देखा जा रहा है। जिसमें एक है कई जातियों से जुड़े गढ़ में अखिलेश और डिंपल का खास तौर पर सभाएं करना। सपा और भाजपा के बीच मुकाबला कांटे का है, इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उन तमाम तबकों का भरोसा हासिल करने में जुटे हैं जिनका वोट बैंक भले कुछ हजार में हो, लेकिन
उसका असर मैनपुरी की लड़ाई का रुख पलट सकता है। अगर गलती से कहीं ये पैसा दे भी दे तो मैं ये वैसे पैसा देना नहीं चाहिए, चुनाव या गलत है, लेकिन अगर ये पैसा कहीं दे भी दे तो ले लेना, लेकिन ओम कमल के फूल को ही देना। मैनपुरी के चुनाव मैदान में साम दाम दंड भेद सबका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। हर पार्टी का दांव हर इलाके के लिहाज से बदलता दिख रहा है, लेकिन सपा की कोशिश रघुराज शाके को एक ऐसा उम्मीदवार साबित करने की है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा सैफई परिवार की राजनीतिक मोर्चाबंदी को परिवारवाद की पराकाष्ठा बता रही है। नामदारों को क्यों वोट देते हो? मैं आज कहना चाहूंगा, इससे साधारण एमपी मैंने आज तक नहीं देखा। हम दो बार एमपी रहे, मेरे छोटे भाई है, जैसे बघेल समाज के लोगों आपने एक एक वोट डाला था, जैसे ककराला की पोलिंग को आपने मेरे लिए 97% किए थे, रघुराज सिंह के पक्ष में भी इतना ही वोट डालना है, वरना फिर हम पर जो ये माना जाएगा कि हम जातवादी हैं, जात लड़ती है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में बार बार कहा कि अब सपा का युग मैनपुरी से खत्म हो चुका है, तमाम कोशिशें कर ली लेकिन अखिलेश का सपना पूरा नहीं होने वाला। खेत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को एक चिट्ठी लिखने की फुर्सत आज तक नहीं मिली कि मेरे करहल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मुझे प्रधानमंत्री आवास चाहिए, मेरे गाँव के अंदर विकास चाहिए, मेरे गाँव के अंदर जन सुविधाएं चाहिए। चुनावी मंच पर सीएम योगी के शिवपाल पर किए गए तंज की चर्चा अब तक गर्माहट भर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने अब इसका जिक्र करते हुए अखिलेश यादव से पूछा है कि क्या आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं? ये तमाम प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और आप सब गए थे कि नहीं, सभा में गए थे, उन्होंने कह दिया कि श्री शिवपाल यादव जी जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी, उनको कह दिया पेंडुलम और फुटबॉल, तो वो फिजिक्स, श्री अखिलेश यादव जी फिजिक्स के प्रोफेसर बन करके आ गए कि पेंडुलम का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए आ गए। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आपके चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अपमान और अनादर हमने नहीं किया था, हमारे तो संस्कार है अपने बड़ों का सम्मान करना, आपने ही अनादर किया था। मैनपुरी के चुनावी जंग में शिवपाल सिंह यादव के भी एक विवादित बयान ने गर्माहट भर दी है, जिसमें उन्होंने रघुराज शाक्य पर चुभता हुआ तंज किया। ये तो हमारे पीछे लगे रहते थे, जैसे वो समझने लगे वो ही है ना, बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, वो ही हाल है इनका, वो ही हाल है, तो परवाह मत करना, डिंपल यादव को इतने वोटों से जिताना। शिवपाल के इस विवादित बयान पर भाजपा का पारा चढ़ गया, पार्टी ने इस पर तीखा पलटवार किया है। दरअसल वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इसको केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण कह सकता हूं। और जब सत्ता छिनती है तो ऐसा ही लोगों को लगता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ निष्पक्ष भावना से जनता के बीच में काम कर रही है और हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। साफ है कि मैनपुरी में अभी चुनावी संग्राम में और उफान आना बाकी है। मैनपुरी के चुनावी आसमान में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसमें किसी हद की परवाह नहीं की जा रही, नजर बस इस बात पर टिकी है कि विरोधियों पर कितनी बड़ी चोट से कितने वोट मिलेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर के चुनावी रण क्षेत्र में बयानों की शक्ल में विवादों का बवंडर उठ रहा है। इसकी शुरुआत आजम खान के एक बयान से। मंगलवार को आजम खान रामपुर के शुतुरखाना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए अपने ऊपर हुई कार्रवाई का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि अगर मैंने पिछले 35 साल में ऐसा कुछ किया होता तो बच्चा पैदा होने से पहले पूछता कि बाहर आना है या नहीं। आजम खान के इस बयान पर भाजपा हमलावर है और इस बयान को हार की डर से उपजी
हताशा बता रही है। जिंदा हूं तुम्हारे साथ, जब जिंदा हूं तो याद रखना, जिंदा हूं तो याद रखना, जिंदा हूं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आसम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। सियासत के मंच से निकला आजम खान का ये बयान राजनीति के रास्ते पर विवादों का तूफान लेकर आया है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। अगर अकल होती तो वो लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, क्या मैं छोड़ देते काबिल छोड़ देता हूँ। यूं तो रामपुर के शुतुरखाना में जनसभा को संबोधित कर रहे आजम खान के निशाने पर भाजपा थी, लेकिन आजम खान के इस बयान ने उन्हें भाजपा के निशाने पर ला दिया है। सर, वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इसको केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण कह सकता हूँ। जब सत्ता छिनती है तो ऐसा ही लोगों को लगता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ निष्पक्ष भावना से जनता के बीच में काम कर रही है और हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। उपचुनाव के सार्वजनिक मंच पर आजम खान ने एंट्री देर से ली है, लेकिन अब जबकि आजम खान एक के बाद एक सार्वजनिक मंचों पर नजर आ रहे हैं तो विवादों की हवा भी तेज हो चली है, क्योंकि आजम खान की जुबान सियासत के मंच से इंतकाम का नया अध्याय पढ़ रही है। कोई ना कोई आपसे जरूर ऐसा शख्स पैदा होगा जो आज के हालात का इंतकाम लेगा। इंतकाम कभी हथियार से नहीं होता, उसी तरह से इंतकाम होगा जिस तरह से हमें और हमारे प्यारों को बचना। आजम खान अपनी विधायकी गंवा चुके हैं और वोट देने का अधिकार। आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी है, जिसे अब आजम खान ने उपचुनाव के मैदान में हथियार बना लिया है, कभी गम और कभी गुस्से को आधार बना लिया है। जेल से निकला हूं और अरमान ये है कि फिर जेल में वापस भेज दिया जाए। फैसला वही होगा जो मारी वही होगा, लेकिन तुमसे समझ। आजम का इशारा किधर है समझना मुश्किल नहीं। रामपुर के रण में आजम खान की कोशिश धर्म की धुरी पर सियासत की तस्वीर बदलने की है। यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद है, यहाँ हमारे बुजुर्गों के मजार हैं, हमारे हुस्न की यादगार ताजमहल है, हमारी बुलंदी की यादगार कुतुब मीनार है। हम नहीं गए अपना वतन छोड़कर, हम अकबर की यादों को छोड़कर नहीं है, हम जोधा लाई की यादों को भी छोड़कर नहीं है। गौर कीजिए, आजम खान ने जिन प्रतीकों और इमारतों का जिक्र किया है वे सभी मुस्लिम समाज से जुड़ी हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में मुस्लिम शासकों की पहचान से जुड़ी है। दरअसल आजम खान इन्हीं प्रतीकों और पहचान के आसरे एक धर्म विशेष के मतदाताओं को अपने पीछे लाने की कोशिश में है, जिससे एक बार फिर समाजवाद की साइकिल को रफ्तार दी जा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वही खतौली उपचुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा सियासत के केंद्र में है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासत के सूरमा मुजफ्फरनगर हिंसा का इतिहास पढ़ने में लगे थे।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मंच से उन्होंने न सिर्फ मुजफ्फरनगर हिंसा का जिक्र किया बल्कि हिंसा के बहाने रालोद और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि रालोद और सपा की जोड़ी फिर से यहां तालिबानी शासन लाने की साजिश कर रही है। कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। सपा और लोकदल की ये जोड़ी फिर से गंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव का अखाड़ा सजा है जिसकी बिसात पर 2013 में हुई हिंसा का हवाला दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 9 साल पहले हुआ उसके लिए पूरी तरह सपा और उसकी सरकार जिम्मेदार थी। उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी उनके सिपहसालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। दरअसल साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी और उसी सपा से गठबंधन कर राष्ट्रीय लोकदल खतौली के चुनाव मुकाबले में है। ऐसे में भाजपा ने खतौली के सियासी मंच पर मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के इतिहास का पन्ना खोल दिया है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। खतौली में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा और रालोद पर एक के बाद एक कई चुभने वाले वार किए। आरोप लगाया कि सपा और रालोद फिर से खतौली में तालिबान जैसा शासन लाना चाहते हैं। सपा और लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स दिलवाना गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की पहचान चौधरी चरण सिंह से जुड़ी है जिनके नाम के आसरे जयंत चौधरी खतौली सीट पर जीत का सपना देख रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। वहीं मदन भैया की बाहुबली छवि को लेकर भाजपा सवाल पूछ रही है कि क्या चौधरी चरण सिंह अपराधियों को शरण देते थे। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा अपराधियों का विरोध किया। ये लोग चौधरी साहब के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रालोद पर जमकर हमला किया। इस बीच एक तस्वीर और सामने आई। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़ने वाले धर्म सिंह सैनी ने ऐलान किया कि वो अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। खबर थी कि धर्म सिंह सैनी मुख्यमंत्री की रैली में भाजपा में शामिल होंगे। धर्म सिंह सैनी का काफिला सहारनपुर से खतौली के रास्ते पर निकला भी लेकिन फिर एक कॉल ने उनकी कहानी बदल दी। धर्म सिंह सैनी की भाजपा में ज्वाइनिंग टल गई जिस पर सवाल उठ रहा है जब सब कुछ तय था तो फिर ऐसा क्या हुआ। क्या भाजपा आयुष घोटाले में धर्म सिंह सैनी का नाम सामने आने से दूरी बना रही है। दरअसल इस दौरान पार्टी की जो इकाई है सहारनपुर जिले की उसने धर्म सिंह सैनी के नाम पर विरोध जताया। सूत्रों की अगर माने तो जो जिला इकाई है उसने साफ तौर पर कहा कि धर्म सिंह सैनी अगर पार्टी में आएंगे तो इससे जो स्थानीय कार्यकर्ता है जो नेता है जो विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लगा जिसने मेहनत की बीजेपी को वहाँ जीत मिली तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल गिरेगा और फिर उसके बाद
पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया कि धर्म सिंह सैनी की फिलहाल बीजेपी में वापसी नहीं होगी और उन्हें यह कहा गया कि अभी आपके बारे में फैसला पार्टी आगे करेगी, विचार करेगी और फिर आपको बताया जाएगा। संदेश साफ है कि भाजपा की रणनीति खतौली के इतिहास, प्रतीक और पहचान के आसरे इतनी लंबी लाइन खींचने की है जिसे तमाम कोशिशों के बाद भी रालोद पार न कर सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।